आप ईशान को तैयार कीजिए कि वो जल्द से जल्द एडमिट हो जाए। आप फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा, मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है आप इसको रखिए। अरे सुनाया, लेकिन ये मेरा लंच पैक है, सिमरन ने इतने प्यार से बनाया है यार। तुम रोज सिमरन के हाथ का लंच करते हो, आज मेरे साथ मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में हम लंच करेंगे। चलो मामा, मामा मामा, मैं कब से आपको आवाजें लगा रही हूँ और आप एक यहाँ बैठी हैं। क्या बात है मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ पुत्र ठीक है। तो फिर क्या बात है, सिमरन और रणबीर की टेंशन है आपको? वो तो हरदम आंखों के सामने रहते हैं पुत्र, भला उनकी टेंशन क्यों होगी? मामा आप ईशान भैया की बात कर रही हैं? हाँ वो भी बिल्कुल ठीक होंगे मामा, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती तो वो कम से कम मुझे और रणबीर को तो बताते। सही कह रहे पुत्र, मैं एक माँ हूँ ना, और एक माँ जानती है कि उसका बेटा हर परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम है, पर फिर भी एक माँ का मन हमेशा डरा रहता है। मामा आप तो जानती है ना ईशान भैया बहुत स्ट्रांग है, फिर आप क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? पर अक्को कई दिनों से ना तो उसने मुझे फोन किया है और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। अरे अपने पाउची से नाराज है वो समझ आता है, पर अपनी माँ से? मामा बिजी होंगे कहीं, मैंने भी उन्हें बहुत बार ही फोन किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे अपनी माँ से बात करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है? अक्को कहीं कोई और बात तो नहीं है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, आप फिक्र मत कीजिए। उसे बोल देना कि मुझे फोन करे, नहीं तो मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। मामा फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ और आपकी बात करवाती हूँ। ओके आको, बोलो। रणबीर मैं अभी अभी मम्मा के पास से होके आ रही हूँ, वो काफी टेंशन में दिख रहे थे। क्यों क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? यार काम के चक्कर में ना उनसे मैं कुछ पूछ ही नहीं पाता। रणबीर अगर वो इसी तरह से टेंशन लेते रहे ना तो जरूर बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन टेंशन किस बात की है, मेरी या सिमरन की? नहीं नहीं रणबीर, एक्चुअली वो ईशान भैया को लेकर काफी परेशान है, वो काफी दिन से ईशान भैया का फोन लगा रहे हैं और ईशान भैया अपना फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ तो हो सकता है कि वो काम में बिजी होंगे। तुम एक काम करो, तुम फोन करके मामा की बात करवा दो भैया से। मैंने कई बार उनको फोन किया है पर वो अपना फोन ही नहीं उठा रहे। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है रणबीर, क्योंकि ईशान भैया ऐसा कभी करते नहीं है। हाँ तो हो सकता है कि वो कहीं बाहर गए होंगे। तुम्हारी बात कब हुई थी उनसे? यही कोई 8-10 दिन पहले, के बाद मैंने भी कई बार फोन किया पर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। मुझे लगता है मम्मा की टेंशन जायज है, हम लोग तो इन बातों को हल्के में ले लेते हैं, पर रणबीर तुम तो मम्मा को जानते हो ना, जब तक मम्मा की ईशान भैया से बात नहीं हो जाती तब तक वो इसी तरह टेंशन में रहती हैं। तो एक काम करते हैं, तुम शाम को ऑफिस आ जाओ, फिर यहीं से ईशान भैया के घर चलते हैं, वहां जाके उनका हालचाल भी पूछ लेंगे और मम्मा से उनकी बात भी करवा लेंगे। और अगर वो हमें घर पे नहीं मिले तो? अरे तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो घर पे हैं या नहीं और ठीक ठाक भी हैं कि नहीं। तो ठीक है मैं शाम को तेरे पास ऑफिस में आती हूँ, फिर हम दोनों उनके घर चलते हैं। ओके देन, सी यू इन द इवनिंग। ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय।
वो देखो ईशान भैया, ईशान भैया, अक्कू, रणबीर, तुम दोनों यहां कैसे? सरप्राइज तो हम आपको देख कर हैं भैया, और वो भी यहां। हम आपके घर गए थे आपसे मिलने, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि आप वहां पर हैं नहीं। आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम आपके ऑफिस भी गए, वहां जाकर पता चला कि आप वहां पर भी नहीं। वही हमें किसी ने बताया कि उसने आपको इस ओर आते देखा। हम तो बस यूं ही आपको ढूंढते ढूंढते चले आए, और हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम आपको यहां मंदिर में मिलेंगे। हाँ रणबीर, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह यहां पर आकर मंदिर के सामने बैठूंगा। सच कहूं तो यहां बैठकर बहुत सुकून मिलता है यार। अकेले में दिल ही नहीं लगता। आज पता चला कि एक हारा हुआ इंसान इसकी चौखट पर आकर माथा क्यों टेकता है। ईशान भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके मुंह से आप नहीं कोई और बोल रहा है। ईशान भैया, आप तो इतने कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आप इस तरह से हारे हुए इंसान की तरह बात क्यों कर रहे हैं? रणबीर, इंसान चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, जिंदगी कभी ना कभी हार का सामना उसे जरूर कराती है। कभी अपनों के हाथों तो कभी बेगानों के, और जो कभी नहीं हारता उसे इसके सामने जरूर हारना पड़ता है। और जिंदगी ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। भैया, मुझे आपकी बातें ना समझ में नहीं आ रही है। कहीं आपने उस हारे हुए केस को जिंदगी की हार तो नहीं मान लिया? किस केस की बात कर रही है पगली? वो केस जिसे मैं कभी जीतना ही नहीं चाहता था, उस कोर्ट केस में मैं अपने देवता समान बाबूजी के सामने खड़ा हुआ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। वक्त और हालात कभी कभी इंसान को ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। भैया, जिंदगी की एक हार जीत से जिंदगी का सफर खत्म नहीं हो जाता। और अगर कोई जिंदगी ही हार चुका हो तो? भैया, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और वैसे भी ना आप दवाई खाने के मामले में ना बचपन से ही लापरवाह रहे हैं, और उस तानिया की बच्ची को साजिशें करने से फुर्सत मिले तब तो वो आपका ध्यान रखे। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। आपको तानिया का हाथ पकड़ के मैं इतना आगे निकल गया कि अब वापस लौटना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आगे का सफर तो मुझे अकेले ही तय करना है ना। तो क्या तानिया आपके साथ नहीं रहती? अब वो मेरे साथ थी ही कब रणबीर, वो तो करोड़पति वीरेंद्र सिंह के बेटे ईशान सिंह के साथ थी। अब मेरा करोड़पति बनने का सपना तो अधूरा रह गया, तो उसने भी अपना रास्ता चुन लिया। या इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ भैया, बस अब हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे, आप घर चलिए हमारे साथ। हाँ भैया, अब तो बाऊजी ने भी आपको माफ कर दिया। हाँ रणवीर, मैं जानता था कि बाऊजी मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएंगे। अब पिता का प्यार दिखाकर अगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। लेकिन भैया,
मम्मा भैया, मम्मा आपको लेकर बहुत परेशान है। वो आपको फोन करती है तो आप उनका फोन ही उठाते हो और आप खुद भी उनको फोन नहीं करते हो। भैया आपका नाम ले लेकर वो रात को नींद से उठ जाती है। हाँ भैया, इसमें मम्मा का क्या कसूर है? वो तो बेचारी रात दिन अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए तरसती रहती है। आपकी पसंद का खाना बनाकर सारा दिन इस इंतजार में रहती है कि मेरा ईशान आएगा और मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नहीं भैया, बस बहुत हो गया, अब आप घर चलिए। वहां माँ की ममता का आचर आपकी बाट जो रहा है। हाँ भैया, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ठीक है, मैं तुम दोनों की बात नहीं डालूंगा। क्या तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं बाबूजी के सामने जिंदगी भर नजरें झुकाकर एक मुजरिम की तरह खड़ा रहूं? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दोनों भी ऐसा नहीं चाहोगे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो और मां से कहना कि मैं बहुत जल्द घर वापस आ रहा हूं। आप लोग अभी तक यहीं बैठे हैं? बस ऐसे ही सिमरन से बातें कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओ, अच्छा जी, अब भाभी की ना पति परमेश्वर वाली ड्यूटी में आप भी हाथ बटाने लगी हैं। चल जल्दी से हाथ मुधो, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। पुत्र तू भी फ्रेश हो ले और खाना खाते एक साथ। पति परमेश्वर जी, तो आपका क्या फरमान है? वो क्या है ना कि मुझे भूख नहीं। मुझे पता था कि यही होने वाला है। अपनी दोस्त के पास गए थे ना हड़बड़ाहट में उसके अर्जेंट काम के लिए, तो वो भूखे कैसे भेज दिया आपको? खिलाया होगा अपने नाजुक नाजुक हाथों से, आपके मुंह में ठूस ठूस कर, है ना? अरे और एक हम है जो अपने पति परमेश्वर के लिए यहाँ पर भूखे बैठे हैं। लेकिन सही कहा है किसी ने, हम पत्नियों की ना इन पतियों को कद्र ही नहीं होती।
ये आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त खाना खा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप पेट भरकर खाना खा कर आए। अगर मैं ये कहता कि मैंने नहीं खाया तो आप मुझे रात का ताजा बना खाना खिलाती, तो ऐसे में मैं ये खाना नहीं खा पाता जो आपने इतने प्यार और मेहनत से बनाया। अच्छा, तो फिर आपको ये ठंडा खाना खाने की क्या जरूरत है? मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं सिमरन, मुझे यही खाना खाना है, तभी तो मैं आपको नहीं जगा रहा था। चलिए ठीक है, मैं इसी को गर्म कर लाती हूँ। खाना खा रहे थे, मुझे उठा भी नहीं सकते थे आप। पता नहीं कब तक ये फॉर्मेलिटीज झेलनी पड़ेंगी आपकी। आपने खाना खाया? मामा, अक्कू, ईशान मिला? हाँ मामा, कल मैं और रणबीर उनसे मिलने गए थे, वो एकदम ठीक है। फिर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन क्यों नहीं कर रहा मुझे वो? मामा बिजी थे, और आप तो जानती हैं ना कि भैया ने टोनी का साथ छोड़ दिया है। ना बिजनेस नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ी टेंशन तो रहती है ना मम्मा। अपने बिजनेस के चक्कर में अपनी माँ को भूल गया, उस तान्या का तो एक पल के लिए भी नहीं भूला कभी वो। मम्मा अब तान्या नहीं है, उन्होंने टोनी के साथ साथ तान्या को भी अपने घर से निकाल दिया है। और रही बात आपको भूलने की, तो वो आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलते। जब तक मैं और रणबीर उनके साथ थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे बहला रहे हो,
ना उसके पास एक फोन करने का वक्त नहीं मेरे लिए। तुम तीनों के तीनों झूठे हो। मम्मा ऐसा नहीं है, अक्कू जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। मम्मा आप सोचिए, हम सब यहाँ एक साथ हैं, लेकिन वहां भैया एकदम अकेले हैं और उन्हें सारा बिजनेस अकेले संभालना पड़ रहा है। तो क्यों पड़ा है वो वहां अकेला, क्यों अपने घर वापस नहीं आ जाता? अब तो उसके बाऊजी ने भी उसे माफ कर दिया है, क्यों अपनी माँ को वो इस तरह तड़पा रहा है? मम्मा आपको क्या लगता है, क्या वो नहीं तड़पते? उनका मन नहीं करता आपसे मिलने का, या उनका मन नहीं करता आपके हाथ का बना खाना खाने का, आपके आंचल में सोने का? सब कुछ करता है मम्मा, पर वो क्या करें, उन्हें अपने आप को तकलीफ देनी ही पड़ती है। मम्मा आप उन्हें गलत मत समझिए, उनका दिल आज भी बिल्कुल वैसा ही है मम्मा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। रणबीर मुझे शान के पास ले चल। मैंने कहा ना अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ओए बस कर, एक चपेट मारूंगा ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कौन हूं मैं? पराया हूं, तुझे दान दे रहा हूं और तेरा प्यो हूं। तू वीरू का पुत्र है ना? और रब ने मुझे पुत्र नहीं दिया, इसलिए वीरू का पुत्र ही मेरा पुत्र है।